अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर अली और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पाक सॉफ्ट। YouTube पर हमारी ये पहली वीडियो है, राय मेहरबानी हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा ताकि हम आपकी ज़रूरत के मुताबिक अच्छी और मेयारी वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो चलते हैं मौजू की तरफ। जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल हो जाते हैं लेकिन इस सॉफ्टवेयर से मतलब कुछ फाइल्स और रजिस्ट्री की सेटिंग हमारे सिस्टम में ही रह जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर ओपन करें। गूगल सर्च इंजन की सर्च बार में वाइज अनइंस्टॉलर टाइप करके एंटर करें। यहाँ पर आपको वाइज प्रोग्राम अनइंस्टॉलर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इस लिंक को ओपन करें। वाइज प्रोग्राम अनइंस्टॉलर की वेबसाइट आपके सामने है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का वर्जन 3.1.1 लिखा हुआ है और इसका साइज 10.5 MB है। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने पर वाइज प्रोग्राम इंस्टॉलर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, लिहाजा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करें। इंस्टॉल पर क्लिक करें। जब इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा फिनिश पर क्लिक करने पर यह रन हो जाएगा। वाइज प्रोग्राम अनइंस्टॉलर की विंडो आपके सामने है। आपने अपने सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगा दें और ऊपर मौजूद अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। अनइंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि वॉइस प्रोग्राम इंस्टॉलर की विंडो में प्रोसेसिंग के सामने एनालाइजिंग एसोसिएटेड फाइल्स फोल्डर्स एंड रजिस्ट्री एंट्रीज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और असल में यही हमारा मकसद है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर से मुतालिक तमाम फाइल्स और डाटा शो हो रहा होगा। इन सबको रिमूव करने के लिए रिमूव बटन पर क्लिक करें। मुबारक हो, सॉफ्टवेयर अपनी तमाम फाइल्स और सेटिंग के साथ सिस्टम से अनइंस्टॉल हो चुका है। इस तरह आप अपने सिस्टम में मौजूद किसी भी सॉफ्टवेयर को बआसानी जड़ से ख़त्म कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।